हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं और आपका इंटरनेट अगर नहीं चल रहा है या फिर किसी कारण से आपका सिम बंद दिखा रहा है, तो या फिर आप कई बार ऐसा होता है कि हम दिल्ली में रहते हैं और कई बार और जैसे कि आप चले जाते हैं यूपी, चले जाते हैं उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात या फिर मुंबई चले जाते हैं, तो किस तरह का प्रॉब्लम के कारण आपका इंटरनेट नहीं चलता रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नेटवर्क एंड इंटरनेट, कई सारे फ़ोनों में ये मोबाइल इंटरनेट के नाम से सेव होता है, किसी कई सारे फ़ोनों में सिम कार्ड के नाम से भी सेव होता है। ठीक है, वो करना कुछ नहीं, जैसे नेटवर्क एंड इंटरनेट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आपको मैं एक बार शुरू करके दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन देख रहे होंगे, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो सिम कार्ड है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये देख लेंगे सबसे पहले कि आपका जो कॉलर डाटा है, ये जो आप कॉलर डाटा ये दिख रहा होगा, ये कॉलर डाटा एक बार दोबारा से चेक करवा देता हूँ। ये कॉलर डाटा जो है ये इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कॉलर डाटा के नीचे VI इंडिया, ये वो जियो से है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं, अगर यहाँ पे जियो से मतलब इंटरनेट कनेक्शन जियो से नहीं है तो आप इसको जियो से पहले कर लेंगे, जियो 4G पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, बैक आएंगे, पीछे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सबसे ऊपर मोबाइल इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क सॉरी मोबाइल नेटवर्क शो करें, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये जियो 4G पे क्लिक करेंगे। मैं एक बार दोबारा से दिखा दूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का नंबर है, आप अगर यूपी चले गए हैं या फिर बिहार या फिर मुंबई या किसी भी अन्य राज्य में दिल्ली छोड़ के, तो वहाँ पे हम ये जो डाटा ये जो रोमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम ये देख सकते हैं, ये ऑफ है, इसको ऑन कर लें। कई बार इसके कारण भी इंटरनेट नहीं चलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम ऑन कर लें। उसके बाद हम ये नीचे देख सकते हैं एडवांस, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो आपका ये जो 4G LTE मोड है, 4G LTE मोड, इसको अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है लोग छेड़खान करके, यहाँ पे ये देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिया होगा, 4G 3G 2G। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई जैसे कि कई बार जैसे कई चेहरा कनेक्ट करने के मतलब सेटिंग छेड़ते वक्त कई बार ऐसा हो जाता है 3G हो जाता है 2G हो जाता है, तो यहाँ पे ये देख ले कि आपका ये जो है 4G पे 4G पे क्लिक है या नहीं, मतलब 4G यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आएंगे एक्सेस पॉइंट नेम्स। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जैसे कि जियो 4G है, इस पर भी क्लिक करके इसकी सेटिंग भी चेक कर लें। जैसे कि हम इसमें इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो नेम देख रहे हैं यहाँ पे जियो 4G या जियो कुछ भी आप एंटर कर लें, यहाँ APN में भी कुछ नाम जियो नेट। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं वेयर, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे कई बार हो जाता है अनस्पेसिफाइड पे क्लिक होता है, इस चक्कर में भी नेट थोड़ा स्लो या नेट, यहाँ पे हम LTE मोड पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे फिर। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे सबसे ऊपर ही देख सकते हैं, फिर हम इस पर करके सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि ये इसका सेटिंग आपने समझ में नहीं आ रहा है, इसका ये जो नाम है आपको नहीं समझ में आता, आप यहाँ पे सबसे ऊपर कर पाता हूँ इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रीसेट टू डिफिकल्ट करके दोबारा से इसको हम री सेटिंग कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद बैक आएंगे। उसके बाद एक बात और एक चीज़ का और ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है लोग बच्चे ये जो एयरप्लेन मोड है इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, इस चक्कर में भी नहीं चलता रहता है, बैक आके दोबारा से मैं आपको नेटवर्क एंड इस पर एक चीज़ और मुझे और ध्यान दें, कई बार ऐसा होता है बच्चे
या घर में किसी गलती से हो जाता है ऐसी कोई बात, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि ये जियो का ये जो है ऑफ ऑफ कर देते हैं बच्चे, कई बार ऐसा सेटिंग चलते वक्त कई बच्चे हैं इसको ऑफ कर देते हैं, इस कारण से भी इंटरनेट नहीं चलता रहता है, सिम आपका ऑफ दिखाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत